कल का भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और आज का भारत सिर्फ नार्यस्तु संग दुष्कर्मे क्योंकि रमन्ते सर्वत्र दुर्जनः। ये बात वर्तमान परिदृश्य को परिलक्षित करती है जहां पर महिलाओं के सम्मान को आज नीचे लाया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान नहीं अपितु उनके ऊपर दुष्कर्म और अत्याचार जैसे काम किए जा रहे हैं। कटना और उन्नाव की घटना के बाद अब राजनेताओं ने भी अपनी बात बोलना शुरू कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को कहा है, आखिर हम मनुष्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमें दो हाथ दो पांव हैं, इसलिए हम मनुष्य नहीं है? मनुष्यता कहाँ है? और ये केवल एक कठुआ नहीं है, हम कहीं देखते कहीं 10 महीने की भी बच्ची के साथ, और इसकी कहीं ना कहीं बहुत जागरण होना आवश्यक। आखिर धर्म मनुष्य को ये सिखाता है कि मानवता क्या है, मनुष्य के गुण क्या है, मनुष्य के संस्कार क्या है, और धर्म और राजनीति इसलिए एकत्रित होके ही चल सकती है, तब समाज का भला हो। एक और राजनेताओं ने अपनी बात कही, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के अभिनेत्रियों ने और अभिनेताओं ने भी अपना विरोध दर्ज किया है। जाकठुआ रेप और मर्डर केस की पीड़िता 8 साल की मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी के सामने आने का सिलसिला भी अब जारी है, और यह अभियान अपने अगले स्तर पर पहुंच भी गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक इश्तेहार यानी प्लेकार्ड को लेकर अपने संदेश प्रसारित करने भी शुरू कर दी है। इस प्लेकार्ड में लिखा हुआ है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, और उस मासूम बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए।